अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जौली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक फ्रूट को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को रेड बनाना के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों रेड बनाना की वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए दोस्तों जो रेगुलर केला आता है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। और दोस्तों जो प्लांटेड केला है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों आप जाकर दोनों केलों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, प्लांटेन के बारे में भी और रेगुलर जो हमारा येलो केला होता है उसके बारे में भी। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे रेड बनाना के हवाले से। और दोस्तों रेड बनाना दिखने के अंदर रेडिश टू पर्पल स्किन लिए हुए होता है। और दोस्तों अंदर से इसका क्रीमी फ्लैश होता है, रेगुलर केले से बहुत ज्यादा मीठा होता है और सॉफ्ट होता है। और दोस्तों इसका जो जायका नियर टू रसबेरी अर्थी टाइप का होता है। और दोस्तों आम केले से इंतहाई खुशबूदार होता है। और दोस्तों नेटिव तौर पर ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा उगता है। दोस्तों रेड बनाने के हवाले से अगर न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की बात की जाए तो इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं। और दोस्तों अगर हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से देखा जाए तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनके अंदर खून की कमी है, जिन्हें एनीमिया की बीमारी है, उनके लिए बेहतरीन है रेगुलर रेड बनाना खाने से, जिसमें के अंदर वाफिर मकदार में खून पैदा होता है। और दोस्तों कुव्वते मुदाफिए में ये इजाफा करता है। दोस्तों हाई रिच कैल्शियम होने की वजह से हड्डियों को मजबूत बनाता है। दोस्तों रेड बनाना खाने से जिस्म को क्विक एनर्जी और पावर मिलती है। और दोस्तों फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। और दोस्तों खाने के साथ रेड बनाना खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है। और दोस्तों दिमागी याददाश्त को भी ये बेहतर बनाता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें पेप्टिक अल्सर है, जिनके हाथों के अंदर जख्म है, मेदे के अंदर जख्म है, दोस्तों अगर वो डाइट के अंदर रेगुलर रेड बनाना को शामिल कर लें तो उनका अल्सर खत्म हो जाएगा। और दोस्तों जिल्द के हवाले से भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों ब्लड प्रेशर को भी ये मैनेज करते हैं। अगर आपका मूड ऑफ है, ज़हनी तनाव, दबाव, उलझनों की वजह से डिप्रेशन का आप शिकार है, तो अपनी खुराक के अंदर रेड बनाना को शामिल कर लें तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से निजात मिल जाएगी। और दोस्तों मर्दाना सेहत के हवाले से भी ये बेहतरीन है। जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है। दोस्तों मर्दाना जिंसी टाइमिंग में इजाफा करता है। दोस्तों मनी को गाढ़ा करता है, मनी को पैदा करता है। और दोस्तों रेड बनाना आपको पाकिस्तान इंडिया के अंदर बड़ी फ्रूट मंडियों में आसानी के साथ मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का विजिट करें, स्पेशली मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन वगैरह का विजिट करें, तो वहाँ पे आपने रेड बनाना को जरूर ट्राई करना है। और दोस्तों ये आम केले से बहुत मजे का होता है। चलिए दोस्तों ये तो थे रेड बनाना के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं रेड बनाना के साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों एक दिन के अंदर 1 से 2 रेड बनाना काफ़ी है। इससे ज़्यादा मकदार में खाने से आपका पेट खराब हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको मतली हो सकती है, आपका दिल खराब हो सकता है, और एक्सट्रीम यूज करने से आपको उल्टी हो सकती है। दोस्तों इस वजह से रेड बनाना फ्रूट को मुनासिब मकदार में आप खाएं। चले दोस्तों ये तो थे रेड बनाना के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स, साइड इफेक्ट्स। उम्मीद करता हूं आपको ये रेड बनाना के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, अपने खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बनाकर दे चुका हूं, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जौली अजीम को इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।